निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर जहां शहर में कई जगह प्रदर्शन हुए, वहीं अति विशिष्ट लोगों का निकिता के घर पहुंचना लगातार जारी है। इसी बीच आज हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और महिला आयोग की वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज निकिता के घर पहुंचे। आपको बता दें कि निकिता के परिजनों को सांत्वना देने के लिए पक्ष विपक्ष के नेता उनके घर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और महिला आयोग की वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज निकिता के घर पहुंचे और अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की। हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने निकिता के घर पहुंचकर उनके परिवारजनों के साथ बातचीत कर उनका दुख बांटा और कहा कि लव जिहाद के मामले एक तरह का आतंकवाद है, इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मंत्री मनोहर लाल, अनिल विज और केंद्र से गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। लव जिहाद जैसे आतंकवाद से संबंधित 28 मुकदमे बल्लभगढ़ में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में दर्ज मुकदमे को यदि दबाया नहीं जाता तो आज निकिता जिंदा होती। उन्होंने साफ किया कि आने वाले समय में बेटियों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोई भी सख्त कदम उठाना पड़ा तो वह उठाया जाएगा। बताते चले कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद सरकार व जिला प्रशासन हरकत में आ गया था। देखिए, अभी आज मैं पीड़िता की जो बच्ची गई है हमारी, उनकी माँ से मिली हूँ, विजया जी से, और अभी तक भी पूरा परिवार रह कर दहाड़े मार कर वो रो रहा है, संवेदनाएं उनके साथ हैं। प्रार्थना है ईश्वर से उनको इस दर्द को सहने की शक्ति दे। बच्ची हमारी गई, उसको तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो कार्रवाई एज पर लॉ लीगली बनती है उससे भी आगे जाकर हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सकता है वो हो। और आज मैं सीपी फरीदाबाद माने ओपी सिंह जी से मिली और इस मामले में अभी तक जो भी पुलिस ने कार्रवाई करी है और आगे का क्या है, एसआईटी किस प्रकार से काम कर रही है और कितने दिन के अंदर वो चार्जशीट फाइल करेंगी, तो मेरा उनसे आग्रह रहा कि जल्दी से जल्दी फाइल हो। तो उन्होंने बोला कि मैडम कम से कम जितनी भी जल्दी हम कर सकें 8 से 10 दिन ज़रूर लगेंगे चार्जशीट फाइल होने में। दूसरा, जैसे कि माननीय जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ये मामला चले, तो इस मामले में उन्होंने खुद ये कहा है, तो जल्दी से जल्दी मामले की त्वरित रूप से इसका निपटान हो और बच्ची का को जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाए एक एग्जाम्पलरी वे में, वो बहुत ज़रूरी है हमारे हरियाणा के लिए ही नहीं, ज़िले के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। मैडम, ऐसी घटनाएं आगे से ना हो, लव जिहाद ना हो इस तरह का, क्या महिला आयोग कुछ कदम उठाएगा? देखिए, मैं यहाँ के आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि अभी मुझे यहाँ पर कुछ संगठन के कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं काम, जहाँ पे धर्मांतरण बच्चियों का कथित रूप से हो रहा है, तो उन्होंने 8/7/28 FIR उन्होंने बताया कि इस आसपास के ज़िले में ऐसे मामले आए हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे। और ये ऐसा मामले हैं कि यदि वो तथ्यों के साथ हमारे साथ पेश कर रहे हैं तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे को तथ्यों को जानना होगा और देखना होगा, स्टडी करके ही हम आगे कुछ बताएंगे। एक थाना आदर्श नगर थाना है जिसमें इस तरह के 28 केस आए हैं, पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती ऐसे मामलों में। जी, ये मेरे संज्ञान में अभी आया, इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि इसके अध्ययन करने के बाद ही हम आपको पूरे रूप में बता पाएंगे, लेकिन क्योंकि हम मामला हमारे संज्ञान में आया है तो अभी मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ। मैडम, 3 से 4 दिन हो गए घटना को, ऐसा लगता है आप थोड़ा लेट पहुँचे हैं, महिला थोड़ा लेट। देखिए, मैं इस माध्यम से तो मैं बताना नहीं चाहूँगी, माइक ऑफ करेंगे आप तो मैं बता पाऊँगी कि मैंने अपनी माँ को खोया है और कल उनकी 13वीं है। आज हम तो ये निकिता के पिताजी मूलचंद जी, उनके भाई, उनके मामा, उनके नाना परिवार में एक सांत्वना के भाव से आए, परंतु मैंने उनसे यही कहा है कि भाई मेरी इस विषय में लेकर के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, अनिल विज गृह मंत्री से, भारत सरकार के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह से बात हुई है कि ये लव जिहाद आतंकवाद फेज 2 है और ये बहुत खतरनाक है। ये तो निकिता कुर्बान हो गई पर ईमान नहीं बदला, परंतु इस तरह की बेटियां और भी बहुत से, जैसे बल्लभगढ़ में आदर्श नगर थाना है उसमें 28 मुकदमे दर्ज हैं, जैसे ये निकिता के पिताजी ने 2018 में मूलचंद जी ने ये FIR दर्ज कराई थी, परंतु इसको
जो जाबिर लोग थे उन्होंने अपने प्रभाव से रफा दफा करा दिया। हो सकता है ये उस FIR पर कार्रवाई होती तो हमारी बेटी निकिता की कुर्बानी नहीं होती, परंतु आने वाले दिनों में हम इस खास करके मेवात में जो इस तरह की ये वारदात हैं, हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे। 28 मुकदमे की बात कर रही है, कौन से मुकदमे हैं, क्या है इस मुकदमों में जो 28 मुकदमे का जिक्र कर रहे हैं? आदर्श नगर थाने में 28 मुकदमे बेटियों की तरफ से, बेटियों के अभिभावकों की तरफ से दर्ज। क्या लव जिहाद के हैं वो या धर्म परिवर्तन? लगभग इसी तरह लव जिहाद को लेकर कानून की बात भी कही गई थी, क्या उस पे कानून ऐसा बना? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि कोई भी मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ सुथरे अंदाज में वो फैसला दे दिया है। परंतु क्योंकि आतंकवाद ये अंतर्राष्ट्रीय एक षड्यंत्र है, कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पुलवामा के बारे में वहाँ के मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया, परंतु दुखद बात यह है ना कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई भी नरेंद्र भाई मोदी का जो पराक्रमी कदम होता है उसके प्रमाण मांगते हैं। परंतु ये जो मामला है मेवात में जो है, इसके ऊपर आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार सख्त कार्रवाई करे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.